देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, लेकिन उसको सिद्ध कैसे करें। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के सामने ये है कि उन्हें पता तो है कि होता है 180, लेकिन उसको हम सिद्ध कैसे करें, तो चलिए हम जान लेते हैं। देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये बनाया हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल, और इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 1, 2, 3, एक तीन भुजाओं से बंद आकृति, एक तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें कितने कोण होते हैं, 1, 2, 3, हम इन्हें नाम देते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप जानते सभी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब बात आई होता है, आपने याद कर लिया। अगर आपसे कोई 7th क्लास का स्टूडेंट पूछ ले कि भैया आप सिद्ध करके दिखाओ कि ये कैसे होगा, तो आपको अगर नहीं पता तो आप कंफ्यूज आओगे। चलिए इसी चीज को आज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर मैंने एक एंगल बनाया इस तरह का, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं इसे हम, तो ये कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। कितने का बनेगा, 180 डिग्री। अच्छा एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट मैं साथ साथ आपको बताकर चलूंगा, यहाँ पर अगर मैं ऐसे एंगल बनाता हूँ, यहाँ पर जेड में जो बनता है, जेड में जो एंगल बनता है आप जानते हैं, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, होगा। अब देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस बीसी के पैरेलल, ये जो लाइन है बीसी, इस बीसी के पैरेलल ए से एक लाइन को पास करा रहा हूं मैं। ये देखिए यहां पर ऐसे मैंने एक लाइन पास कराई, ठीक, ध्यान से देखना। अब देखो आगे, ये यहां पर, यहां से ऐसे चलते हुए, ध्यान से देखो, ये चलते हुए और ये जो हम ऐसे आए और हम ऐसे गए, क्या ये जेड बना क्या, देखो जेड बन रहा है इस तरीके का, यहां से ऐसे आए और इधर चलते हुए इधर गए, तो जितना कोण ये होगा थीटा, उतना ही कोण क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक। तो ये कोण बराबर हो गया इसके। अब सेम अगर हम देखें तो यहां पर भी आपको जेड दिखाई देगा, ये देखिए इधर से बनता हुआ, ये भी आपको एक जेड दिखाई देगा ऐसे, ठीक। अगर आपको ये जेड दिखाई दिया तो इसका मतलब जितना एंगल ये है, अगर ये फाई है तो ये भी क्या एंगल क्या होगा, फाई होगा। अब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और जो बीच वाला एंगल है, जो बीच वाला एंगल है, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, मान लीजिए ये एंगल है साई, ठीक। तो अब एक बात देखो, इस स्ट्रेट लाइन पर बने हुए तीनों कोणों का कितना, 180। तो एक बात ध्यान देना जरा, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस पर बने हुए तीनों कोणों का कितना होगा, 180। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी कि एंगल थीटा, एंगल फाई प्लस एंगल साई इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 180 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या था, थीटा था हमारा बी, एंगल बी भी आ चुका। फाई क्या था, फाई एंगल सी, एंगल सी आ चुका, और ये था एंगल सी, और ए क्या था हमारा, फाई, ठीक। तो तीनों ए बी सी का सम कितना हो गया, 180। तो इस तरह से हम 180 डिग्री यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। तो कितना आसान था देखिए, और मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। मिलेंगे आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय, टाटा एंड टेक केयर।